और मध्य प्रदेश के छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम नगर पालिका परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना और पीएम आवास योजना समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से वन टू वन चर्चा की गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने का अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में हितग्राहियों ने भी प्रधानमंत्री की पीएम स्वनिधि योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना ने हमें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकल्प यात्रा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये सभी पंचायतों में जाने वाली आज से इसका शुभारंभ हुआ है और ये जिले के सभी ग्राम पंचायतों के साथ ही साथ नगरी क्षेत्रों में भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जाने वाली है। इस यात्रा के माध्यम से अभी तक जो लाभार्थियों एक और उन लाभार्थियों से संवाद तक सीधा कार्यक्रम और जो शेष रह गए हैं पात्र व्यक्ति, उन पात्र व्यक्तियों के इसी कार्यक्रम के माध्यम से उनके फॉर्म भराए जाने का काम, मेडिकल के कैंप भी इन सारे स्थानों पर लगाए जाएंगे, पशु चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने इससे बहनों का जीवन बहुत आसान बना दिया है और धुएं से ही मुक्ति मिली है हम लोगों को जी। इससे हम मतलब वही है कि हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। पहले जो हम धुएं में जी हम साइन हुए थे, फॉर्म भरा था उसमें साइन हुए थे, बाकी ये निःशुल्क है हमारे लिए। योजना के बारे में पता चला था, जैसे कि आज सबको आजकल ऑनलाइन पता चल जाता है, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे पता किया, फॉर्म आके ऑनलाइन भरा, फिर इसके बाद ऑफलाइन फॉर्म में भी साइन वगैरह हुए, फोटो लगी, इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस हुआ था।